भाजपा दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी के देवरिया पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेणुका होटल में माला पहनाया और बूके देकर स्वागत किया। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने बारी बारी से सबका परिचय जाना, सकुशल छेम लिया। वहीं 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। इस दौरान संजय पांडे, अंबिकेश पांडे, पवन मिश्रा, अरुण मिश्रा, कृष्ण मोहन उपाध्याय, गुड्डू सिंह, विकास तिवारी, भगवान यादव, अजय तिवारी, सुनील सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सुनते इस संबंध में मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। देखिए, परसों दिन अरविंद केजरीवाल का कैबिनेट मिनिस्टर, उसने सरेआम सबके सामने लोगों को, 10,000 लोगों को शपथ दिलाया जबरदस्ती कि हम ब्रह्मा जी को नहीं मानते, हम विष्णु जी को नहीं मानते, हम महेश को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं मानेंगे। और मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अरविंद केजरीवाल को कि तुम ट्विटर पे तो लिखते हो कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां सभी जाति धर्म के लोग बिना नफरत बैर के रहे, और अगर तुम्हारे मिनिस्टर ने इतना बड़ा पाप किया तो उसको सस्पेंड कर दो, फिर हम मान जाएंगे कि तुम सही में, तुम्हारा रास्ता जो है सबका साथ सबका विकास वाला है। लेकिन आज तीसरा दिन हो गया, अभी तक उसने सस्पेंड करना तो दूर कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे व्यक्ति को जो ये जो उसका मिनिस्टर बोला उसका बयान नहीं है, सत्य सनातन संस्कृति क्या कहती है कि सबका सम्मान करो, और तुम्हारा मिनिस्टर कहता है कि हिंदू देवी देवताओं का को नाम लेना छोड़ दो, इसको नहीं भजना है, नहीं मानना है, और उसके बाद कोई उसकी मानेगा। मैं समझता हूँ इन लोगों को जल्दी से जल्दी सजा होगी। हमने परसों FIR भी करवाई है और ये सभी लोग इस जुर्म में जेल जाने चाहिए, क्योंकि किसी को भी दूसरे धर्म का अनादर करने का अधिकार नहीं। तारीफ करना योगी जी की, वही चुनाव पूरा विरोध करते, क्या लगता है? देखिए, कुछ लोगों को ज्ञान जल्दी प्राप्त हो जाता है और कुछ लोगों को थोड़ा देर से प्राप्त होता है। ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी हम लोगों के साथ मंत्री रह चुके हैं, बीच में कई ऐसी शक्तियां थीं जो उत्तर प्रदेश को भ्रमित करने में लगी थी, तो ओम प्रकाश राजभर जी भी उसमें बहुत समय तक उसी धारा में बहते रहे। मुझे लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी को भी ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का शासन मॉडल है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबके लिए समान है, और गुंडों बदमाशों के लिए ज़रूर वो अलग प्रकार का शासन है जिससे अपराध ख़त्म हो, और बाकी जितने ईमानदार लोग हैं, सज्जन हैं, संत हैं, जो अपनी परिश्रम से आगे कुछ करना चाहते हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, शोषित पीड़ित वंचित गांव सबके लिए, जो जिस प्रकार से योगी सरकार मोदी सरकार अपना काम कर रही है, तो ओम प्रकाश राजभर जी क्या अभी बहुत उल्टे लोग सीधे होने वाले। अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये निर्णय तो हमारे पार्टी का निर्णय होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि कल का भूला सुबह का भूला शाम तक वापस आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। ये केजरीवाल